सारे जानवर चले गए, शेर को आप लोगों ने मार दिया, अब आप ही जानने गए। प्लीज दोस्त है मेरा नेक जानवर, इसको मैं उसको खाना खिलाता था और हम चाहते हैं कि पार्क ना बंद हो और जू ना बंद हो, बल्कि हमने एक मिनट में निकाले आप पास आने हमें घर गेटो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैजी। नाज़रीन, जब से कोरोना आया है तब से बच्चे परेशान, माएँ परेशान, वालदैन परेशान। खुद मेरे घर में मेरे बड़े भाई की वफात हुई और वालदा शदीद बीमार है, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। लेकिन आज बात करेंगे बच्चों के हवाले से कि बच्चों की जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं, तफरीही सरगर्मियाँ हैं, वो भी बहुत दूर कहीं निकल गई हैं और घरों के अंदर बच्चे रो रहे हैं। इस्लामाबाद की अगर बात करें तो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पार्क्स में मैं खुद जाके देखा, बच्चों के साथ गया, अभी तक घास पूरी तरह से नहीं कटी, अभी तक वो सफाई का इंतज़ाम नहीं हुआ और हत्ता के वहाँ जो स्टोर्स हैं, जैसे आप कोई चीज़ जैसे पानी है, जैसे बिस्किट्स हैं, जैसे चिप्स हैं, जैसे ऐसी कुछ चीज़ें हैं, वो चीज़ें भी एक्सपायरी डेट की मिल रही हैं। इस पे इस्लामाबाद की इंतज़ामियों को भी खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इस्लामाबाद ज़ू, चिड़ियाघर, मेरा बच्चा उसे ऊँट घर कहता है क्योंकि उसके नज़दीक चिड़िया का घर नहीं, ऊँट का घर है जो दूर से नज़र आ जाता है। वो रो भी रहा है, वो पीट भी रहा है कि क्यों सारे जानवर चले गए हैं। वो जो हफ्ते में 3 दिन जाया करता था और मैं ख़ुद उसको लेके जाता था कि ये जानवर है, इसको तंग नहीं करना, इसके साथ फ्रेंडली कैसे रहना है। कावन, जिस पे पिछले दिनों ब्रादरम हामिद मीर ने भी प्रोग्राम किया कैपिटल टॉक, और उसमें उन्होंने बताया कि कावन क्यों जा रहा है, उसकी दिमागी हालत क्या है, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं और उसको कंबोडिया लेके चला जाया जाएगा। शेर मर गया, उसके अलावा जानवर सारे वहाँ से चले गए, वो झूले ख़त्म हो गए, उस सारे मामलात ख़त्म हो गए और उस पे बच्चे बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। मेरे अपने घर में मेरा बेटा वली जवाद, वो इंतहाई परेशान है कि उसका दोस्त कावन जो हाथी है वो चला जाएगा। खान साहब, आपने तो बड़े वादे किए थे, हम किधर जाएँ। एक और चीज़ जो मैं कहूँगा, आप आगे चल के देखेंगे वली जवाद भी आपसे मुखातिब होगा और लेकिन उसका तर्ज तखातुब मुझे बहुत परेशान कर रहा है और वो उस अंदाज़ में बात करने लग गया है जिस तरह खान साहब धरनों में बात किया करते थे। ओए छडांगा नहीं, उठाओ अपनी चीज़ें और निकलो यहाँ से, छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे। आज मैं अपने घर में भी वो तर्ज तखातुब, हालांकि मेरी कोशिश होती है कि ज़बान के हवाले से और इस ज़ुबान से अच्छे लफ्ज़ निकलें, बच्चों की सही तरबियत हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन मेरे अपने घर में मैं ये फेस कर रहा हूँ। मैं तब भी कहता था कि खान साहब इस ज़बान को तर्क कर दीजिए और इस अंदाज़ को तर्क कर दीजिए, ये बच्चे बच्चे के हाथ में माचिस आ जानी है और ज़ुबानें चलने लग जानी हैं। लेकिन आज मैं अपने घर में भी यही चीज़ फेस कर रहा हूँ कि मेरा बेटा वो जिस अंदाज़ में गुफ्तगू करने लग गया है, वो जिस अंदाज़ में इमरान खान साहब को ही पढ़ने लग गया है, ये ना हो कि यूथ अगर इसके मसले हल ना हुए, अगर इनकी जो इनके लिए सब कुछ होना चाहिए, बेहतरी के इम्कान जो पैदा होने चाहिए, जो रोशनियाँ आनी चाहिए, अगर वो ना आई तो यूथ भी और बच्चे भी खान साहब आपसे उसी अंदाज़ में बात करेंगे जिस तरह आप डी चौक में हुक्मरानों के हवाले से बात करते थे और मौलाना फजल रहमान के हवाले से बात करते थे। इस्लामाबाद का चिड़ियाघर बंद हो चुका है, अंदर कोई जा नहीं सकता और एक आध जानवर, एक रीछ रह गया है और एक हाथी, हाथी ने कंबोडिया चले जाना है और रीछ को या तो यहाँ की कोई एनजीओ ले लेगी। और डॉक्टर अनीस उस दिन हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में ही कह रहे थे कि हमने कोशिश की है कि पंजाब ले ले, लाहौर वाले ले ले, केपीके वाले ले ले, वो रीछ को रखने को तैयार नहीं है, तो फिर हम ही इसके साथ गुजारा कर लेंगे। इस सारी मिली भगत क्यों हुई है? क्या टोरंटो के अंदर ज़ू नहीं है? क्या यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर चिड़ियाघर नहीं है? हाँ, एक सफारी स्टाइल है, खुलेआम फिर रहे हैं आप, सिक्योर होके जाते हैं, महंगी टिकट लेते हैं आप, घूमते फिरते हैं, जानवर देखते हैं, शेर भी देखते हैं, बंदर भी आपकी गाड़ियों के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन क्या बंद पिंजरों में पूरी दुनिया के बाकी ममालक में चिड़ियाघर मौजूद नहीं है? यहीं पे सिर्फ वाइल्ड लाइफ के हवाले से इश्यूज उठ रहे हैं, यहीं पे बच्चों की एक ऐसी तफरीगा जो पूरे पाकिस्तान से लोग आते थे, वो मारगला हिल्स देखते थे, चिड़ियाघर चले जाते थे, ज़ू चले जाते थे, कुछ झूले ले लेते थे, कुछ बच्चे खुश, कुछ माएँ खुश, कुछ जानवरों से बच्चे सीखते थे, कुछ जानवर बच्चों से सीखते थे। अब वो सीखने का अमल चला गया। अगर इस्लामाबाद का ज़ू बंद हो रहा है और हो रहा है, अगर
कुछ चीज़ ऐसी नहीं मैसर होगी तो वो बच्चों के, मेरे अपने घर में तो बैन पड़ रहे हैं, नौहे शुरू हो गए हैं, आहोजारी शुरू हो गई है कि हाय हाय ये जू और ऊंट घर बंद नहीं होना चाहिए। ये सारी वो चीज़ें हैं जो अगर हम अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे, उनके लिए ऐसे मौाक़े नहीं दस्तियाब होंगे, उनके लिए कोई ऐसे मराकज़ नहीं होंगे जहाँ वो भी जा सकें। अब हर बच्चा ज़रूरी है किसी मॉल में जाए, हर गरीब मॉल में ले जा सकता है? 20 रुपये 10 रुपये की टिकट में गरीब बंदा अपने दो बच्चों को जो है वो चिड़ियाघर दिखा देता था, कुछ 25-25 की को दो झूले लेके 100 रुपये के अंदर। मुझे अच्छी तरह याद है 100 रुपये के अंदर मैं अपने बेटे को पूरा चिड़ियाघर दिखा के, दो झूले दिलवा के और एक आध चिप्स का पैकेट या पॉपकॉर्न्स खिला के मैं 100 रुपये में अपने घर वापस चला जाता था। लेकिन अब मैं कहाँ लेके जाऊँ? खान साहब मुझे तो नथिया गली में आप रेस्ट हाउस नहीं लेके देंगे, मैं कहाँ लेके जाऊँ? और फिर मीडिया के जो आपने हालात पैदा कर दिए हैं और चौथा स्तून में हम ये मुसलसल बातें कर रहे हैं। अब यही बातें वली जवाद वो किस अंदाज में कह रहा है और वो घर में बैठा जब मैं पहुंचा तो उसने जो रिकॉर्डिंग की हुई थी वो भी आपको दिखाते हैं कि वो खान साहब से कैसे बात कर रहा है, हामिद मीर साहब से कैसे मुखातिब है, हाथ कैसे जोड़ रहा है कि प्लीज़ चिड़ियाघर ऊँट घर बंद ना किया जाए। खान साहब किसी बच्चे की भी सुन लेते हैं, आपकी सब ने सुन ली है, अब आप भी किसी की सुन लें। ओवर टू वली जवाद फैजी। सलाम इमरान खान, प्लीज ऊन घर खोल दे, सारे जानवर चले गए, शेर को आप लोगों ने मार दिया, अब आप ही जान लगे। प्लीज दोस्त है मेरा, नहीं जान दे उसको, मैं उसको खाना खिलाता था। प्लीज ऐसा मत, प्लीज ना। हम किधर जाएंगे? जब हम पार्क जाते हैं, हमारे पार्क में बड़ी बड़ी घास हैं, गाड़ी मेरे बहन को लर्ज मुंह पे हो जाती है, नीचे टांगों पे, और क्या करेंगे, किधर जाएंगे? मैं ऊँट को नहीं छोड़ता, कोई हम मेरा दोस्त सारे चले गए और मैं क्या करूँगा, किधर जाऊँगा हम? हाँ आप माजा प्लीज ऐसा ना करें, प्लीज आप लोगों ने जो भी करना मर्जी आप, लेकिन हमारे ऊंट, हमारा जेब्रा, हमारा रीच, हमारे ऊंट घर में सारे जानवर हमें बिल्कुल नहीं। और जो करना जो करना जो करना कर ले। और एक बात, मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त नहीं जाएगा, और हम चाहते हैं कि पार्क ना बंद हो और जू ना बंद हो। हम चाहते हैं कि कश्मीर हाईवे में एक जानवर मोटा सा रहता है, जो आती है वो मेरा दोस्त है एलिफेंट, और जो रीच है वो बड़ा बड़ा खाता है ना, और शेर जो है वो भी खाता है हमार। और रामलाल प्लीज मारा ऊन का ना बंद करे, हम नहीं तो परेशान हो जाएंगे अपने ऊन की वजह से, नहीं तो हम आर्थिक वजह रोएंगे, जो मर्जी करेंगे। और आप लोग जितना ले रहे जाना थोड़े ले रहे, बल्कि